Good morning, students. Today our new unit is therapeutic communication and nurse-patient relationship. Important unit है. इसके अंदर से कुछ क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं. तो first of all अपन बात करेंगे what is therapeutic communication. Therapeutic communication क्या होता है और उसके साथ nurse-patient relationship. वो भी थेराप्यूटिक रिलेशनशिप. द वर्ड थेराप्यूटिक मीन्स, थेराप्यूटिक मीन्स लाइक हेल्पिंग और जैसे चिकित्सकीय कम्युनिकेशन. किसी की अपन जैसे ट्रीटमेंट कर रहे हैं, इलाज कर रहे हैं, केयर कर रहे हैं, नर्स पेशेंट की केयर कर रही है, उनके बीच में जो कम्युनिकेशन होता है वो होता है थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन. और उनके बीच में जो रिलेशनशिप होती है वो होती है थेराप्यूटिक रिलेशनशिप. अब नेक्स्ट वर्ड इज कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन मीन सिंपल, कम्युनिकेशन का मीनिंग होता है Giving and receiving of the information. Giving and receiving of the information. और इसका एक पूरा प्रोसेस है जिसके थ्रू एक पूरा कम्युनिकेशन कंप्लीट होता है. कम्युनिकेशन एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है रिलेशनशिप का बिटवीन द नर्स एंड पेशेंट. एक थेराप्यूटिक रिलेशनशिप के लिए कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. अगर अच्छा कम्युनिकेशन होगा तो नर्स एंड पेशेंट के बीच में जो रिलेशनशिप है वो अच्छा होगा. पेशेंट की जो आउटपुट है वो अच्छी होगी, उसकी केयर है वो भी अच्छी होगी. देन क्या है नर्सिंग के अंदर ये जो कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन प्रोसेस. फर्स्ट ऑफ ऑल सेंडर जो भी मैसेज बना रहा है वो है सेंडर. देन सेंडर मैसेज बनाता है और मैसेज किसको पहुंचता है, रिसीवर जिसको चाहिए उसके पास पहुंचता है और रिसीवर वापस एक फीडबैक पहुंचाता है सेंडर की तरफ. तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस. सेंडर, मैसेज, रिसीवर, फीडबैक, ये जब चारों स्टेप कंप्लीट होता है तो एक पूरा कंप्लीट कम्युनिकेशन होता है. अगर उनके अंदर थोड़ा सा भी गैप होगा तो कम्युनिकेशन अच्छा नहीं होगा. लाइक अगर सेंडर है उसने मैसेज सही से नहीं कन्वे किया तो रिसीवर तक सही नहीं पहुंचेगा, रिसीवर तक सही नहीं पहुंचेगा तो वो सही से उसके वापस फीडबैक नहीं देगा. तो ये तो हो गया चलो कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन वर्ड के बाद में नेक्स्ट वर्ड आता है नर्स पेशेंट रिलेशनशिप. अब ये जो वर्ड रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप कितने टाइप की होती है? बेसिकली रिलेशनशिप है वो तीन टाइप की होती है, सोशल रिलेशनशिप, इंटीमेट रिलेशनशिप एंड थेराप्यूटिक रिलेशनशिप. अपन यहाँ पे थेराप्यूटिक रिलेशनशिप के बारे में डिस्कस करेंगे. ओके, सो थेराप्यूटिक रिलेशनशिप के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. उससे पहले अपन देख रहे हैं टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन के कितने टाइप होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल वर्बल कम्युनिकेशन एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. वर्ड से समझ में आ रहा है वर्बल कम्युनिकेशन क्या है और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या है. वर्बल कम्युनिकेशन मीन्स रिटन और ओरल. जो भी रिटन और ओरल कम्युनिकेशन है उसको क्या बोलेंगे? वर्बल कम्युनिकेशन, जो पेशेंट के साथ में अपन कर सकते हैं. सेकंड है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. अब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या है? गेस्चर, पोस्चर, बिहेवियर के थ्रू, आई टू आई कांटेक्ट, इन सब के थ्रू, फेशियल एक्सप्रेशन, इनके थ्रू जब अपन किसी से कांटेक्ट करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं तो उसको बोलते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. ये तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन है. इस कम्युनिकेशन के थ्रू अपन
वर्बल कम्युनिकेशन की तुलना में ज़्यादा पेशेंट से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं अगर अपना नज़रिया, बिहेवियर, गेस्चर, पोस्चर, आई टू आई कॉन्टैक्ट, फेशियल एक्सप्रेशन पेशेंट के साथ अच्छे रहेंगे तो वो अपने को जो भी अपने को इंफॉर्मेशन चाहिए रिलेटेड टू डिजीज वो अपने को आराम से दे देगा। देन प्रिंसिपल्स ऑफ थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन, प्रिंसिपल्स ऑफ थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल पेशेंट प्राइमरी फोकस। हमारा जो फोकस है वो है पेशेंट। थेराप्यूटिक रिलेशनशिप के अंदर, थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन के अंदर जो प्राइमरी फोकस होगा वो खाली पेशेंट होगा, उसके अलावा कोई भी नहीं। नेक्स्ट वन इज प्रोफेशनल एटीट्यूड। जो नर्स पेशेंट रिलेशनशिप है वो बिल्कुल प्रोफेशनल रहना चाहिए। देन अवॉइड सोशल रिलेशनशिप। अपने को नर्स को वहाँ पे कोई सोशल रिलेशनशिप एस्टेब्लिशमेंट नहीं करना है पेशेंट के साथ, ओनली थेराप्यूटिक रिलेशनशिप। नेक्स्ट वन इज कॉन्फिडेंशियलिटी। द वर्ड कॉन्फिडेंशियलिटी मीन्स जो भी इंफॉर्मेशन पेशेंट आपके साथ शेयर कर रहा है वो सारी इंफॉर्मेशन आपको गोपनीय रखनी है, ना किसी के साथ आपको वो चीजें डिस्कस करनी है। नेक्स्ट पॉइंट नो जजमेंटल। जजमेंटल कभी भी नहीं बनना है कि तू सही है तू गलत है, तेरे को बीमारी ये इस कारण आई, तू ऐसा है, कोई जजमेंट अपने को पास नहीं करना है पेशेंट के ऊपर। नेक्स्ट वन इज अवॉइड गिविंग एडवाइस। अवॉइड गिविंग एडवाइस, किसी की तरह भी सलाह एडवाइस नहीं देनी कि भाई तू ऐसा कर ऐसा कर, ऐसे मेडिसिन तेरे को ऐसे लेनी है, ये सारी चीज़ें। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन टेक्निक्स। कम्युनिकेशन टेक्निक्स का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है किसी गुड कम्युनिकेशन के लिए, और वो भी कौन सा, थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन। थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन को सक्सेसफुल करने के लिए कुछ टेक्निक्स की आवश्यकता होती है जो कि आपके सामने राइट डाउन कर रखिए वन बाय वन। 12 प्रकार की, 12 प्रकार की मोस्टली टेक्निक्स हैं जो अपन एक गुड थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन के लिए काम में लेंगे। तो इसके अंदर सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल है लिसनिंग। लिसनिंग टेक्निक के अंदर जो भी पेशेंट है उसके साथ वो जो भी आपको बोल रहा है, जो भी इंफॉर्मेशन आपको दे रहा है, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको कलेक्ट करनी है। और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते टाइम आपको इस तरह का बिहेवियर शो करना है जैसे आप उसकी पूरी इंफॉर्मेशन को सीरियसली ले रहे हो और उसको उसके साथ एक बढ़िया रिलेशनशिप आप एस्टेब्लिश कर रहे हो। जैसे कि कोई बोल रहा है तो सामने आई टू आई कॉन्टेक्ट रखना, उससे कुछ बता रहा है तो गर्दन का हिलाना, नोडिंग, गेस्चर, पोस्चर का ध्यान रखना, जैसे कि सामने वाले को लगे कि ये सीरियसली अपनी बात को, जो मैं बोल रहा हूँ उसको सीरियसली पूरा लिसनिंग कर रहा है। तो ये फर्स्ट पॉइंट है लिसनिंग थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन की टेक्निक। नेक्स्ट पॉइंट है अपना ब्रॉड ओपनिंग। वर्ड से आप समझ गए ब्रॉड ओपनिंग क्या चीज़ है। किसी भी टॉपिक पे या किसी एक पर्टिकुलर नैरो टॉपिक पे पेशेंट को नहीं लेके जाना, उसको पर्टिकुलर एक लाइन के बारे में या कुछ पर्टिकुलर एक क्वेश्चन उसको नहीं पूछना है, कि अपन उसको पूरा एक ब्रॉड एरिया दे देंगे कि तू किसी भी टॉपिक पर हमारे साथ डिस्कस कर सकता है और वो कोई भी टॉपिक छेड़ सकता है। लाइक मैंने आज ये खाना खाया था और मेरे को ये अच्छा नहीं लगा, तो इस तरह से उस टॉपिक के बारे में कोई भी ब्रॉड टॉपिक ब्रॉड एंगल से अपन उसके साथ डिस्कशन करेंगे। तो ऐसा करने से
जो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है वो काफ़ी बढ़ जाएगा, लिमिटेड नहीं रहेगा, नैरो नहीं रहेगा। तो ये ब्रॉड ओपनिंग काफ़ी हेल्पफुल है इन थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन के अंदर। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट इज रीस्टेटिंग वर्ड। रीस्टेटिंग का अर्थ है कोई भी जैसे पेशेंट है वो कोई भी वर्ड बोल रहा है, कोई लाइन बोल रहा है, तो उस वर्ड को, उस लाइन को, उस पूरी बात को रिपीट करना। स्टेटिंग मीन्स रिपीट करना, दोहराना। जैसे वो बोल रहा है कल मेरा अपने हस्बैंड से झगड़ा हो गया था, तो अपन बोलेंगे हाँ आपका कल आपके हस्बैंड से झगड़ा हो गया था ना, तो इसका मतलब क्या होगा? रीस्टेटिंग करने से सामने जो पेशेंट है उसको लगेगा कि जो नर्स है, मैं जो भी बात बोल रहा हूँ उसको सही से ढंग से सुन रही है, तभी वो उसको रीस्टेट दोहरा रही है। तो रीस्टेट करने से भी कम्युनिकेशन अच्छा, थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करने के अंदर थेराप्यूटिक वैल्यूज अपने को मिलेंगी। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज क्लैरिफिकेशन। द वर्ड क्लैरिफिकेशन मीन्स कोई भी टॉपिक के बारे में, किसी भी वर्ड के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में अगर पेशेंट आपसे बात कर रहा है और उसकी वर्डिंग अगर सही नहीं है, सही ढंग से नहीं बोल रहा या आपको समझ में नहीं आया, तो आप उससे दोबारा वही चीज़ क्लैरिफाई करेंगे, उसको ढंग से पूछेंगे क्या अच्छा आपने क्या बोला, दोबारा उससे पूछेंगे तो वो दोबारा आपको बताएगा मैंने इस चीज़ के बारे में आपको बोला था। तो कोई भी टॉपिक है उसको क्लैरिफिकेशन करेंगे। क्लैरिफिकेशन करने से भी सामने वाले के अंदर अटेंशन डेवलप होगी, अपनी बात है जो सामने वाला अटेंशन के साथ सुन रहा है, और अपन इसके थ्रू, क्लैरिफिकेशन के थ्रू उस चीज़ को वैलिडेट कर देंगे। तो ये वैलिडेशन के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट अपना पॉइंट है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन टेक्निक का अर्थ है जो भी इंफॉर्मेशन पेशेंट दे रहा है उसको वापस रिफ्लेक्ट करना, उसका वापस जवाब देना, उसको वापस दोहराना कि अच्छा ऐसे हुआ तो आपको ये करना चाहिए, आपको स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। तो कोई भी वो इंफॉर्मेशन दे रहा है तो वापस उसका रिफ्लेक्ट करना। देन सिक्स पॉइंट इज ह्यूमर। जैसे आप नर्स और पेशेंट के बीच में जो थेरापेटिक कम्युनिकेशन चल रहा है, अगर वो जो थेरापेटिक कम्युनिकेशन चल रहा है उसको और अच्छा करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? ह्यूमर मीन्स टुगेदरनेस। उसको अपने साथ साथ कैसे रखेंगे कि अगर उसने कोई गलत चीज़ बोल भी दी, कोई गलत वर्ड बोल दिया या कुछ भी गलत बोल दिया, से किसी वर्ड का मीनिंग गलत बता दिया कुछ भी, तो अपन उसके अंदर ह्यूमर लगा के कोई जॉक क्रैक करेंगे, कोई ऐसा वर्ड अपन उसको मजाक में लेकर उसको वहाँ से निकाल देंगे। ऐसा उसके ऊपर जजमेंटल अपन नहीं होएंगे कि भाई तूने ये वर्ड का मीनिंग है गलत बताया ये, तो वहाँ पे अपने को ह्यूमर अप्लाई करना है नर्स को। नेक्स्ट इज इन्फॉर्मिंग टेक्निक ऑफ थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन। इन्फॉर्मिंग टेक्निक के अंदर जो भी पेशेंट का डायग्नोसिस है, पेशेंट की मेडिसिन हैं, जो भी थेरेपी है, उनके बारे में उसको पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देना कि आपका ये ट्रीटमेंट होगा, आपको हो सकता है कितने दिन के लिए रखा जाए, आपका ये वार्ड का नाम ये है, आपको ये बीमारी हुई है, आपकी ये सारी मेडिसिन चल रही है, आपको इस टाइम ये मेडिसिन लेनी है आपको, तो पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन उसके साथ कन्वे करनी है ताकि कोई कम्युनिकेशन गैप ना हो, थेरापेटिक रिलेशनशिप बना रहे और वो उसका प्रोग्नोसिस है वो अच्छे से हो सके। नेक्स्ट पॉइंट इज
फोकसिंग 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 टेक्निक के अंदर अपन क्या करेंगे, जो भी पेशेंट की रिलेटेड प्रॉब्लम है, रिलेटेड साइकेट्रिक प्रॉब्लम है, उसके ऊपर आएंगे, उसके ऊपर फोकस करेंगे। लाइक किसी पेशेंट का अपने हस्बैंड के साथ लड़ाई हुई, तो अपन उसको दोबारा वापस रिकॉल करेंगे कि अच्छा आपकी आपके हस्बैंड के साथ लड़ाई हुई थी ना, तो फिर क्या हुआ, आप उसकी वजह से टेंस हो क्या, उसकी वजह से घबराए हुए, एंजाइटी उसकी वजह से आपके अंदर, तो वापस अपन उसको रिकॉल करेंगे, उसी फोकस के ऊपर लेके आएंगे, ताकि वो अपने को पूरी डिटेल के अंदर वो सारी इंफॉर्मेशन दे सके। देन शेयरिंग परसेप्शन, इस टेक्निक के अंदर अपन उसके साथ जो भी बातें हैं, कुछ भी इंटरपर्सनल, कुछ सोशल बातें उसके साथ शेयर करेंगे, तो शेयरिंग करने से भी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप और थेरापिटिक रिलेशनशिप भी काफ़ी इम्प्रूव होता है। नेक्स्ट इज थीम आइडेंटिफिकेशन। द वर्ड थीम, थीम मीन्स व्हाट, थीम क्या होता है, थीम का मतलब होता है कि किसी भी कहानी की रूपरेखा, या ये कहानी किसके ऊपर बनी हुई है, मतलब या लाइफ की थीम, कि पर्सन है जो पेशेंट है वो किस कारण से ज़्यादा दुखी है, डिप्रेस है, उसको डिसऑर्डर है, कारण क्या है उसके पीछे, कॉज क्या है, उसकी थीम क्या है, वो उसकी थीम के ऊपर अपने को उसको लेकर आना, थीम के ऊपर फोकस करना, जो रिलेटेड प्रॉब्लम है उसकी थीम को पकड़ना और उसके ऊपर काम करना और उसके रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज साइलेंस। साइलेंस टेक्निक भी बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है। इस टेक्निक के अंदर अपन वर्बल कम्युनिकेशन काम में नहीं लेते हैं, तुलना में नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ज़्यादा काम में लेते हैं। इस टेक्निक के अंदर अपन टाइम देंगे पेशेंट को और नर्स के बीच में, एकदम चुपचाप शांति से वो आपस में आई टू आई कांटेक्ट करके, बिहेवियर के थ्रू, गेस्चर के थ्रू, पोस्चर के थ्रू आपस में इंफॉर्मेशन, फीलिंग्स है जो शेयर कर सकते हैं। तो ये साइलेंस जो टेक्निक है वो भी बहुत ज़रूरी। नेक्स्ट इज सजेस्टिंग। सजेस्टिंग टेक्निक के अंदर अपन उसको कुछ मेडिसिन है लाइक सजेस्ट कर सकते हैं, थेरेपी सजेस्ट कर सकते हैं, कुछ उसको जैसे एक्सरसाइज है सजेस्ट कर सकते हैं, जैसे बेटर इम्प्रूवमेंट के लिए। तो इस तरह से आज का अपना टॉपिक था थेरापीटिक कम्युनिकेशन नर्स पेशेंट रिलेशनशिप, जिसके अंदर अपन ने डिस्कस किया व्हाट इज थेरापीटिक, व्हाट इज कम्युनिकेशन, व्हाट इज कम्युनिकेशन प्रोसेस, सेंडर मैसेंजर रिसीवर फीडबैक और नर्स पेशेंट रिलेशनशिप, और रिलेशनशिप सोशल रिलेशनशिप, इंटीमेट रिलेशनशिप एंड थेरापीटिक रिलेशनशिप। और थेरापेटिक रिलेशनशिप के बारे में अपन ने उसके प्रिंसिपल्स, उसके करेक्टरिस्टिक्स देखे और टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन देखा, वर्बल एंड नॉन वर्बल, और उसके बाद में अपन ने देखा टेक्निक्स ऑफ थेरापेटिक कम्युनिकेशन, जिसके अंदर अपन ने कुछ इंपॉर्टेंट टेक्निक्स के बारे में देखा, जिसके थ्रू थेरापेटिक टेक्निक्स, थेरापेटिक कम्युनिकेशन अच्छे से पेशेंट के साथ हो सकता है। Thank you.